नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आप BEd MEd में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट या परसेंटेज के और बिना किसी खिटपिट के, डायरेक्ट किसी भी कॉलेज में, MP के किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, तो दोस्तों बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एजुकेशन और ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, ब्राउजर पर गूगल ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना। गूगल ओपन करने के बाद आपको गूगल पर सर्च करना है MP ऑनलाइन, ठीक है ना। MP ऑनलाइन लिखने के बाद सिंपली आप सर्च कर दीजिएगा गूगल पर, तो जो पहली लिंक हमें अवेलेबल होगी उसे आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो MP ऑनलाइन का होम पेज कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखिए सेकंड नंबर पर एक हेडिंग लिखी दिखेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक क्लिक का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको लिखा मिलेगा सत्र 2018-19 की काउंसलिंग प्रक्रिया दिनांक 15 जून 2018 से प्रारंभ हो गई है, कृपया विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें, ठीक है ना। तो आपको इस क्लिक के बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही आप बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको, अगर आप BEd प्लस BA BEd प्लस BSc या फिर MEd या फिर BEd या फिर कुछ भी BEd से रिलेटेड कुछ भी कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अपना कोर्स कर सकोगे, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकोगे। फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से हो, और आप MP में BEd करना चाहते हो तो बड़ी ही आसानी से कर सकोगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है और क्या क्या कोर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर आप BA प्लस BEd करना चाहते हो तो कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आप सिंपली BEd करना चाहते हो सिर्फ तो BEd भी कर सकते हो, और यहाँ पर BLed करना चाहते हो तो BLed भी कर सकते हो। इसके बाद BSc प्लस BEd कर सकते हो, और BEd प्लस MEd, ठीक है ना। यहाँ पर ये अलग चीज है जो कि अभी अभी आई है, BEd प्लस MEd। यहाँ पर आपको MSc होना जरूरी है, MSc MA या MCOM, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी होना जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद तभी आप BEd प्लस MEd कर सको। इसके बाद BPed या प्रोफेसर लोगों की लिस्ट में आने के लिए आपको BPed करनी होगी, जहां पर आप कॉलेज में पढ़ा सकोगे, ठीक है ना। इसके लिए भी हमें मास्टर डिग्री की जरूरत होती है। इसके बाद देखिए यहां पर MPed MEd, देखिए लगभग सारे के सारे यहां पर टीचर्स लाइन के लिए सारे के सारे कोर्स अवेलेबल है, DEd को छोड़कर, ठीक है ना। क्योंकि DEd बोर्ड करवाती है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, जैसे कि MP बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, तो यही लोग आपका DEd करवाते हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोर्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि BEd MEd BPed MEd, ठीक है ना। तो इस तरह के आपको कोर्स दिखाए जा रहे हैं। और इसके बाद देखिए कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ये भी देखे लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर। यहाँ पर आपको देखिए BEd BPed MEd MEd BEd MEd ये सब कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करें, और BA प्लस BEd BSc प्लस BEd करना चाहते हो तो सेकंड नंबर पर क्लिक करें, ठीक है ना। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा फर्स्ट नंबर पर, अगर आप सिंपली BEd करना चाहते हो तो। देखिए जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखिए लगभग फॉर्म भरने की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। सिंपली यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिएगा, नाम डालने के बाद यहाँ पर सिंपली आप अपना सरनेम डाल दीजिएगा, सरनेम के बाद पिताजी का नाम, फिर माताजी का नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और विवाहित अविवाहित की स्थिति, इसके बाद आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो एस, नहीं हो तो नहीं, और इसके बाद धर्म, जेंडर और कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए कि ST SC OBC। इसके बाद आप केवल मध्य प्रदेश के निवासी हेतु हैं, तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं तो क्लिक कर सकते हैं, और अगर मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है और इनमें से कोई एक ऑप्शंस
यानी कि इनमें से कोई एक पद रखते हैं तो आप इनको सिलेक्ट नहीं कर सकोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आरक्षण के अंतर्गत में आ जाता है। इसके बाद आपको शैक्षणिक आहत, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आपको सिलेक्ट करनी है। शैक्षणिक योग्यता सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आप शहरी हो या ग्रामीण हो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लास्ट में आपको यहाँ पर हाँ ना में जानकारी देनी है कि आपका पंजीयन है या नहीं है। इसके बाद आपको आगे बढ़े बटन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होंगे और सिंपली आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। आप एमपी के किसी भी कॉलेज में कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो, बहुत ही आसान है दोस्तों। आप सिंपली रूल्स फॉलो करते जाइएगा तो आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्टेप मिलता जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से हमें कहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हम अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। और अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।